हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर टू एज यू ऑल नो हम लोग वन शॉट्स कर रहे हैं एंड ये का चैप्टर टू है पॉलिनोमियस ऑल्सो मैं आपको बता दू ये रिविजन मैप्स है बेसिकली इन शॉर्ट हम रिवाइज कर रहे हैं अगर आपको फुल फ्लेश डिटेल में देखना है तो हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन है सो यू कैन वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो लेकिन आप चैप्टर पूरा कर चुके हो सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ ठीक है शॉर्ट में चलो लेट्स गेट चार्टेड सबसे पहले पॉलिमियल हमारे होते हैं ऑल्सो दीज रिविजन मैप्स आर टेकन फ्रॉम दी एडू कार्ड सैम्पल पेपर बुक्स आपको नीचे लिंक मिल जाएगा आपकी इस तरीके से नाइन्थ क्लास के सैम्पल पेपर की बुक है सो so आप ये परचेज कर सकते हो आपको इसमें काफी सारे पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए न्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे नाउ कमिंग टू कमिंग बैक टू दिस सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सो पॉलिनोमियल so, होता क्या है आप सबको पता है पोलिनॉमिल किस तरीके से होता है ना इसके टाइप्स पड़ेंगे जिनको नहीं भी पता उनको पता चल जाएगा ठीक है कभी कभी मैं ना ऐसे बोल देती हूँ कि आप सबको पता है बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि मैम नहीं हमें नहीं पता आप बता दो सो so, टाइप ऑफ पॉलिनॉमिल पॉलिनॉमिल की कुछ टाइप्स होती है अब ये जो टाइप्स है ना ये भी बेस्ड है दो चीजों पर एक है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनॉमिल क्या डिग्री है डिग्री मतलब यहाँ पे डिग्री की बात होती है डिग्री इज लाइक पावर ठीक है जो भी हमारा वेरिएबल है वेरिएबल क्या होता तो है जो भी वर्ड यहां पे मैं नए नए बोलती जाऊंगी ना आपको साथ साथ इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी अगर जिनको याद नहीं है वेरिएबल बेसिकली होता है कि इक्वेशन में या एक एक्सप्रेशन में ये जो एक्स वाई जी या कभी कभी ए ए जितने भी यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अल्फाबेट्स आते हैं जिनकी वैल्यू निकालनी होती है तो वो हमारे होते हैं वेरिएबल ठीक है सो तो एक तो होता है इस जैसे एक्स की क्या डिग्री है डिग्री या क्या पावर है एक्स रेस टू दावर वन मतलब कोई पावर नहीं है x रे टू द पावर 2 x स्क्वायर x क्यूब है सो so, इस तरीके से डिग्री बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये ये वाला पॉलीनोमियल है ये ये वाला पॉलीनोमियल है और ये ये वाला पॉलीनोमियल है ठीक है पहले डिग्री के बेसिस पे पढ़ लेते हैं सो so, सबसे पहले हमारे आते हैं लीनियर पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल हमारे कौन से होते हैं डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px ये हमारा तरीका होता द पॉलीनोमियल लिखने का px इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी नाव ए एक्स प्लस बी सो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कन्फ्यूज नहीं होना ये जो हमारे यहाँ पे ए और बी है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट दिखा रहे हैं एंड ये जो एक्स है ये हमारा वेरिएबल है कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कोई भी न्यूमेरिक आपके पास किसी भी नंबर की बात हो रही है जैसे कि अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ एंड इफ आई राइट फोर एक्स प्लस सेवन So, ये फोर और सेवन है हमारे मतलब कांस्टेंट है यहाँ जो मैंने वेरिएबल लिखा वो तब होगा अगर हम इस तरीके से लेर ए प्लस सेवन सो ये जो ए है नाउ दिस इज अ वेरिएबल लेकिन जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम एक्स को वेरिएबल ले रहे हैं ए भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा वो जब आप इक्वेशन देखो तो आपको पता चल जाएगा बाकी सारे नंबर है और एक ही अल्फाबेट है तो वो वेरिएबल है ठीक है चलो कमिंग बैक हियर सो so, इस फॉर्म में मतलब ऐसे ही अब कुछ भी हो सकता है 6x plus 8 या 6x 7x 8x कुछ भी हो सकता है क्या है लेकिन एक चीज ध्यान रखनी कि x की पावर वन है x2 x3 x1/4 ये सब नहीं है सो so x की पावर वन मतलब इट इज अ लीनियर पॉलीनोमियल ठीक है अभी वो दोबारा पढ़ लेते हैं पूरा इस फॉर्म में होता है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स जैसे मैंने बताया ab हमारे नंबर्स है कांस्टेंट है एंड ए के नॉट बी इक्वल टू जीरो ए जीरो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बिकॉज अगर ए जीरो कर दोगे तो ये जीरो एक्स प्लस बी हो जाएगा जीरो इंटू एनी थी जीरो प्लस बी तो वो सिर्फ एक नंबर एक रियल नंबर बन जाएगा तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा क्योंकि वेरिएबल ही गायब हो गया इसलिए बोला है ए केन नॉट बी इक्वल टू जीरो आई होप दिस इज क्लियर एग्जाम्पल हो गया थ्री एक्स प्लस सेवन ये जो भी मैंने लिखी है कुछ भी एक्जाम्पल ले सकते हो आप सो so, ये हो गया पहले टाइप का विच इज लीनियर पॉलिनोम अब दूसरा बात कर लेते हैं इसको थोड़ा तो जूम भी कर लेते हैं यार अरे हो जूम हां जी तो दूसरा हमारा क्या होता है दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम क्वाड्रेटिक पॉलिनोम मतलब ऐसा जिसकी जो डिग्री होगी आपके वेरिएबल की डिग्री टू होगी ठीक है सो so, पढ़ते हैं अ सेकंड डिग्री पॉलिनोम वेयर द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू टू सो यहाँ पे जो हाइएस्ट डिग्री होगी मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है साथ में ए एक्स या यहाँ पे a लिख लो तो ये बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होगा सो so यहाँ पे x जो है इसकी हाइएस्ट डिग्री क्या है टू है ठीक है तो ये वाला हमारा इस तरीके के समझ लो जिसमें ये x स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ठीक है ठीके? पढ़ लेते हैं दोबारा से सेकेंड डिग्री पोनिनॉमिल वेयर द वैल्यू ऑफ द हाइएस्ट डिग्री हाइएस्ट डिग्री इन टर्म्स में किसकी है इक्वल टू टू मतलब दो से बड़ा एक्स क्यूब एक्स एच यू फोर एक्स एच यू फाइव ये सब नहीं हो सकते नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉर्डिटिक इक्वेशन इज ए एक्स का स्क्वायर फिर एक एक्स की टर्म आएगी और फिर कॉन्स्टेंट आएगा इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना इसी तरीके से होता है पहले हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी फिर एक एक्स की टर्म आएगी और फिर एक कॉन्स्टेंट आएगा और इक्वल्स टू जीरो तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बेसिकली ठीक है और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप है विच इज क्यूबिक नाम से पता चल रहा है जिसकी हाइएस्ट पावर थ्री होगी जिस इक्वेशन में तो वो कैसे हो गई क्यूब क्यूब एक बार वाला 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 आ वाला आ गया देन आ गया देन देन हमारे हमारे पास एक स्क्वायर अब इसको पढ़ भी लेते हैं डिग्री ऑफ अ तो हाइस्ट डिग्री यहाँ पे थ्री होगी तो वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा द तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक बी ए रेस ए एक्स के साथ क्यूब एक्स के साथ क्यूब देन एक्स स्क्वायर की टर्म देन एक्स की टर्म और देन एक कॉन्स्टेंट ठीक है समझ में आ गया चलो ऑल्सो इन दोनों चीज केसेस में ये भी ध्यान रखना है भाई ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये ए जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा हमारा फिर सिर्फ इतना बचेगा और अगर सिर्फ इतना बचे तो ये कोआर्डिनेटिक हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि अब अगर ये जीरो हो गया तो अब हाइएस्ट पावर टू बची तो वो क्वाड्रेटिक हो गया ठीक है तो ये था हमारा टाइप ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री पावर के हिसाब से अब बात करते हैं इसी में ही होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक पूरे एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है टर्म का मतलब क्या होता है जैसे ये अच्छा जैसे हम ये, ये इसी के चलते हैं ना यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए जैसे ये यह यहाँ पे हम ये ले रहे थे तो अब इसमें टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे ये जैसे हमारी ए एक्स क्यूब तो ये पूरी एक टर्म है बीच में प्लस आ गया ये पूरी एक टर्म है फिर प्लस आ गया या माइनस आ गया तो ये सारी टर्म्स है जो ऐसे प्लस माइनस से सेपरेट होती हुई आ रही है ठीक है अब अगर आपके पास लेट सपोज सिर्फ माइनस फोर एक्स है तो ये क्या कहलाएगी ये है सिर्फ वन टर्म ये पूरी वन टर्म है नेगेटिव टर्म है ठीक है जी और इसी माइनस के आगे अगर मैंने लगा दिया थ्री एक्स स्क्वायर तो अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक टर्म ये है एक टर्म ये है ठीक है तो टर्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है चलो अब यहाँ पे चलते हैं अब इस टर्म के हिसाब से अगेन तीन तरीके से हम इसको क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला सबसे ऊपर इसको नीचे कर लेते हैं है हमारे मोनोमियल मोनोमियल मतलब एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म सिर्फ एक टर्म है जैसे या एक्स स्क्वायर वाई लिखा है या माइनस फाइव एक्स वाई अच्छा वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ये है क्या टर्म सिर्फ एक है जैसे मैं पहले यहाँ पे लिख रही थी इसको कंप्लीट कर लेते हैं लेट्स सपोज सेवन एक्स स्क्वायर वाई है आपके पास सो so ये पूरी एक टर्म है हमारे पास ठीक है क्योंकि इसमें कहीं पे भी सेपरेट नहीं हुआ है हाँ यही अगर सेवन एक्स जाती तो ये दो टर्म्स हो जाती फिर ये मोनोमल नहीं रहता फिर ये क्या हो जाता ये हो जाता बाइनोमियल सो बाइनोमियल हमारा होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं जैसे कि यहाँ दो टर्म्स थे और एग्जाम्पल देख सकते हो y माइनस सेवन एक्स स्क्वायर अगेन यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं वी हैव वन टू टर्म्स फिर सेकेंड है अगेन so, जहां पे भी दो टर्म्स होगी टू टर्म्स एंड ट्राइनियल नाम से पता चल रहा है so, इसी के आगे अगर मैं प्लस सेवन कर दू फॉर एग्जाम्पल तो ये तीन टर्म्स हो गए तो ये हमारा हो गया ट्राइनॉमियल ठीक है सो एन एल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग थ्री टर्म्स जैसे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क् तो ये सब क्या है ट्राइनोमियल्स है ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा चलो इसको जूम आउट कर देते हैं सो so, हमने यहाँ पे देख लिया टाइप्स ऑफ हमारे पोलिनोम जिसमें हमने देखा किस किस बेसिस पे पावर की बेसिस पे देखा तो तीन हमने देखे कौन कौन से सबसे पहले लीनियर जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट पावर वन है देन हमने देखा सेकंड क्या देखा क्वाड्रेटिक जिसमें एक्सक्वायर की टर्म आ जाती है मतलब हाईएस्ट पावर टू है देन हमने देखा क्यूबिक जिसमें एक्स क्यूब आ जाता है यहाँ हम कह सकते हैं हाइएस्ट टर्म हाइएस्ट पावर थ्री है ठीक है इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखे मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है सॉरी बाई नॉर्मेल जिसमें दो टर्म्स होते हैं ट्राई नॉर्मे जिसमें तीन टर्म्स होती हैं ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं सो so नेक्स्ट इसको जूम कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिमल अब एक पॉलिनोम की जीरोज क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिमिल सिंपल उसमें कह सकते हो पॉलिन में जो हमारा वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है कि पूरी इक्वेशन आपकी जीरो हो जाए पूरा वेरिएबल आपका जीरो हो जाए सो दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिन जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो सो अगर आपके पास ये एफ एक्स है सो एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्या था क्या दे बोल रहा है थ्री एक्स तो इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा जीरो हो जाए तो वो हमारा होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो वो कैसे निकालेंगे देखो हम इस पूरे को इक्वल टू जीरो रख देते हैं अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे सो so, ये हो गया थ्री एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स है उधर जाके माइनस सिक्स हो गया थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो so, कैंसिल कर दो तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस टू सो x इक्वल्स टू माइनस टू दिस मीन्स x की जो वैल्यू माइनस टू अगर हम रखेंगे तो वो हमारा क्या होगा इसका ज़ीरो होगा क्योंकि इससे हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है परिनॉर्मिल पूरा ज़ीरो हो जाएगा एंड इसी को ही अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लिखे सो वील राइट एक्स प्लस टू हम कह सकते हैं इसका फैक्टर है ये बेसिकली बड़े उसमें होता है इसी से ही हमारी आती है फैक्टराइजेशन या फैक्टर थ्योरम सो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम एफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल अगर ये एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन वन मतलब वन हो सकते जैसे यहाँ पे डिग्री वन है यही थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स ऐसे भी हो सकती है ये या ये या उससे भी बड़ा क्यूबिक वाला भी हो सकता है नी रियल नंबर और ए कोई रियल नंबर है देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस जैसा मैंने अभी आपको बताया जैसे एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू क्योंकि एक्स माइनस ए का क्या मतलब है एक्स माइनस ए को अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस से उधर जाएगा प्लस से हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्लस ए आ गया सो so, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए जो भी हमारा पॉलिनॉम है उसका फैक्टर है ठीक है क्लियर है बिकॉज ये पुट करके हमारा क्या हो जाता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है ठीक है बेसिकली दिस मींस कि किसी चीज का आपका रिमाइंडर जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो वो जीरो आ गया

नॉर्मियल है एंड लेट कहाँ गया ग्रेटर लेट बी बी एनी रियल नंबर सो बी कोई भी एक रियल नंबर हमने ले लिया इफ़ g x इज divided by द लीनियर polynomial, अब अगर इस g x को इस पूरे polynomial को एक लीनियर polynomial x minus b ये फैक्टर बनेगा ना अगर देखो हम b की बात करें तो वो कहाँ से आया है x minus b को अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तभी तो x equals to b आएगा हमारे पास सो so, x minus b जो है अगर हम उससे डिवाइड करें this, देन द remainder इज पी बी तो उसका रिमाइंडर पी बी आएगा इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में रखूं सो so, हम ऐसे कह सकते हैं जैसे फोर को आप डिवाइड कर रहे हो एट से जब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाई थी कि फोर टू जा एट सो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर आ गया सो so, ये जो हमारा बाहर होता है दिस इज दी है जिससे डिवाइड जैसे यहाँ पे ये यह बोला गया एक्स माइनस बी सो ये हमारा बाहर वाला पार्ट हो गया एट जो है वो इस केस में पॉलिनोमियल हो गया जिसको इन्होंने जी एक्स बोला है जो जिस जिसका जिस बेसिकली नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं एंड जो हमारे पास ऊपर आता है दिस इज क्वेश्चन एंड जो बचा वो हमारा रिमेंडर होता है तो हर केस में ये होता है ये जो आपका अंदर वाला पॉलिनोमियल होता है पी एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ये जो है जी एक्स बेसिकली इसको हम नाम देते हैं सो so ये मल्टीप्लाई में ऊपर जो क्वेश्चन है विच इज गोइंग टू बी क्यू एक्स प्लस हमारा रिमेंडर होता है इस केस में जीरो है बट वैसे आए तो ये इस तरीके से हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम को लिखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल होगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस सो so, ये होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तो अब आना नहीं है सो so, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है फाइन द रिमेंडर वेन जी एक्स पॉलिनोमियल जिसको मैं पी एक्स बोल रही हूँ या जी एक्स बोला गया है ये आपका पॉलिनॉमियल है इज डिवाइडेड बाई दिस इसको अगर इससे डिवाइड किया है तो आपको वैल्यू निकाली है सिंपली आप क्या करोगे एक्स माइनस टू इससे डिवाइड किया गया इसको बोला गया ये फैक्टर है तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई टू माइनस टू को उधर भेजोगे एक्स की वैल्यू हो गई टू तो सिंपली आपको ये जो जी एक्स है इसमें हमें टू जहां जहाँ पे एक्स है वहां पे हम टू लिख देंगे टू रेस टू पावर फोर माइनस टू रेस टू पावर थ्री माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस है एक्स स्क्वायर मतलब टू रेस पावर टू पावर टू देन माइनस टू एक्स सो टू एक्स की जगह अगेन टू लगा देंगे प्लस वन सो इसको सॉल्व करती है चलो मैं पहले सॉल्व करती हूँ फिर बताती हूँ टू रेसू पावर फोर का क्या मतलब है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सो टू टू ज फोर फोर टू जा एट एट टू जिक्सटीन सो ये आ गया सिक्सटीन माइनस टू रेसू पावर थ्री मतलब टू इंटू टू फोर फोर टू जा एट सो ये आ गया एट मतलब तीन बार टू को मल्टीप्लाई कर रहा टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इंटू टू फोर अगेन प्लस वन ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे ये बचा हमारे पास सिक्सटीन माइनस एट एट प्लस वन इक्वल्स टू नाइन आ जाएगा यू कैन सी यहाँ पे आंसर 17 आ रहा है जिसका जिसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर था और माइनस टू एक्स था इधर दोनों चीज़ें प्लस की ले लिया इसलिए आंसर गलत आया है सो so बेसिकली इसको अगर आप एक, एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो आंसर नाइन आएगा आई होप दिस इज क्लियर इसी के साथ हमारा चैप्टर पोलिनोम का वन शॉट होता है कंप्लीट आपको आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीजें इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा एंड इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हो वहां पे एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से डेप्थ में समझा है ठीक है सो ना वेल सी यू नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाई